राम नगरी अयोध्या की ये तस्वीरें महज 4 महीने पहले जनवरी की है, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा अवध क्षेत्र राम नाम से गूंज रहा था। 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने प्रचार में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर रखा, मगर जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी को इस अवध क्षेत्र में ही जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 24 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली, जबकि 2019 में 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। यहां तक कि 2014 में भी बीजेपी को अवध क्षेत्र की 17 सीटें हासिल हुई थी। चौबीस के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सवाल उठने लाजमी थे कि आखिर अवध में ऐसा क्यों हुआ। राम के नाम पर दशकों से सियासत करने वाली बीजेपी का इस बार राम नगरी में ही बेड़ा पार क्यों नहीं हुआ। आखिर बीजेपी के बदले समाजवादी पार्टी ने कैसे बाजी मार ली, इसकी कई बड़ी वजहें हैं। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान से एससी और ओबीसी वोट दूर हुए। एसपी के फैजाबाद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के कारण 1.5 लाख पासी वोट घटे। समाजवादी पार्टी का मूल वोटर यादव और मुस्लिम एकजुट हो गया। अयोध्या का मौर्य, निषाद, कुर्मी और कोरी वोट भी एसपी को मिला। रुदौली विधानसभा का 100% यादव वोट एसपी के खाते में गया। बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने बढ़त रखी। दरियाबाद के कुर्मी, पासी और कोरी वोटर भी एसपी के साथ चले गए, जबकि बीकापुर विधानसभा सीट पर भी एसपी को जबरदस्त लीड मिली। हालांकि बीजेपी के शहरी क्षेत्र और ब्राह्मण बनिया वोटर बीजेपी के साथ रहे, जिसकी वजह से अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली। मगर सिर्फ अयोध्या विधानसभा से बात नहीं बनी और बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये पाखंडी लोग राम को रहने वाले हो, ये पाखंडी लोग हैं, राम को कोई लाया नहीं है। तो राम तो हमारे रोम रोम में है, हमारे ग्रैंडफादर, यू नो ग्रैंडफादर, दादाजी से कहते हैं, उनका नाम राम नवल। बीजेपी को नुकसान के पीछे कुछ स्थानीय मुद्दे भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की सड़कों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक रोक देने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है, जिससे शहरी इलाके के मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखा। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी मात्र 4,667 वोटों से जीती, जबकि यहां बीजेपी को कम से कम 30,000 के लीड की उम्मीद थी। हालांकि अयोध्या शहरी इलाकों में बीजेपी को 20,000 की लीड मिली, लेकिन अयोध्या विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी 16,000 वोट से पीछे रही, क्योंकि यहां एससी और ओबीसी वोटर एक साथ एसपी के साथ चला गया। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100 साल से रह रहे थे। कुल मिलाकर दशकों के इंतजार के बाद जिस राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को जबरदस्त उम्मीदें थी, उसका कुछ भी फायदा नहीं मिला, उल्टे बीजेपी को घाटा सहना पड़ा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको यूपी के 2 मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश भगवा से लाल हो गया। लाल का मतलब लेफ्ट वाला लाल मत समझिएगा, ये समाजवादी पार्टी का लाल है। एक तरफ आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की ये तस्वीर है, जब यूपी में बीजेपी ने 64 सीटें यहां पर जीती थी, यानी कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 62+2, और समाजवादी पार्टी के खाते में महज 5 सीटें आई थी, जबकि बीएसपी ने 0 से 10 का सफर तय किया था और कांग्रेस ने महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज की। मगर जब आप दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो उसमें यूपी का पूरा रंग बदला हुआ नजर आता है। गौर से देखिए, क्योंकि ये तस्वीर 2024 के चुनाव के बाद की है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए 37 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी 62 से घर कर आ गई 33 सीट पर। अयोध्या क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान से संत समाज के साथ साथ आम लोग भी हैरान है, हालांकि वो इसके पीछे कारण भी खुलकर बता रहे हैं। देखिए अयोध्या से ये ग्राउंड। सबसे बड़ी कमी ये थी यहाँ पे के जनता में, यहाँ के जो है व्यापारी और छोटे तबके के लोग जो थे वो बहुत ही नाराज थे,
और लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर बनाया और यहाँ पे विकास दिया, तो विकास तो जब सरकार की प्राथमिकता होती है कि हर जिले को चमकाना है। और मंदिर रही बात, मंदिर मंदिर किसी एक का नहीं है, मंदिर सभी का है। हारने का कारण केवल यहाँ पे है बेरोजगारी, क्योंकि जिनकी भी दुकानें फुटपाथ पे थी, जिनकी भी दुकानें थी, ठेला था, उमची था, कुछ भी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानें हटाई गई। कहीं पे लल्लू सिंह या कोई विधायक या सांसद जी कहीं पे भी किसी भी गरीब आदमी की मदद इन्होंने नहीं किया, काम नहीं किए। और चौरी कला में जो परेशान हुए उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला, उनके पास आदमी गया तो उनकी सुनी नहीं। जैसे देहात क्षेत्र में रामघाट एरिया में या कौशलपुरी कॉलोनी से सारे जगह को जमीन को हथियाने के लिए गवर्नमेंट ने एक उपाय किया कि सबको दरिया बुर्ज कर दिया। दरिया बुर्ज करने से जमीन का मुआवजा नहीं मिला लोगों को। साफ क्या बताया जाए, उनके कुछ बयानबाजियां जो लोकतंत्र को बदलने की बात उन्होंने कही कि मतलब संविधान को बदलने की जो बात कही उन्होंने, उसका असर पड़ा।